फ्रेंड्स, आई एम शाहिना मुल्क एंड यू आर वाचिंग टेकीबीज इंडिया। मैंने बजट और ब्रांडेड कैटेगरी के लगभग हर टीवी का रिव्यू किया हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो टीवीज को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें कौन सा टीवी लेना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं बजट और ब्रांडेड कैटेगरी दोनों के बेस्ट टीवीज को इंक्लूड करूंगी, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो हायर ब्रांड के बजट रेंज टीवीज और बजट कैटेगरी के टीवीज को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकेशंस बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये मैंने ऑलमोस्ट दर्जन भर वीडियोज में बताई हुई है और उसे आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे भी जाकर पढ़ सकते हैं। मेरा ये वीडियो यहाँ मेंशन सारे टीवीज के एक्चुअल परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना फाइनल डिसीजन ले सकें। इन सारे टीवीज की परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मेरी दी गई लिंक से टीवी परचेज करेंगे, तो मैं आपके लिए उन पैसों से और प्रोडक्ट्स परचेज करके आपको ऑनेस्ट रिव्यूज दे पाऊंगी। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से करके उसके निकट लगी घंटी को भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको वो भी बताते हैं जो कोई नहीं बताता है ना दिखाता है। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं बहुत हाई कॉस्ट टीवीज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि उनको लेने वाले लोग कम हैं। जो हाई कॉस्ट ओलेड और क्यूलेड टीवीज में इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उन्हें उनके बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट टीवी सजेस्ट कर दूंगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक नए टीवी की जानकारी देना चाहूंगी। सोनी ने हाल में ही अपनी एक नई सीरीज के टीवीज X80J को लॉन्च किया है, जिसके स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं, लेकिन अभी उसके रियल परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वो अभी तक किसी भी शोरूम में नहीं आए हैं। और अगर आप किसी भी यूट्यूबर से पूछेंगे, तो वो भले ही कह दे कि वो टीवी बहुत अच्छा है, वो झूठी होगा, क्योंकि अभी तक इसे किसी ने नहीं देखा है। इस सीरीज के 65 इंचेस टीवी का प्राइस 1.30 लाख के आसपास होगा। वो सोनी X8000H का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें ट्रायल ल्यूमिनस प्रो के साथ साथ HDMI, EARC और मोशन फ्लो XR200 टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 50Hz के नेटिव रिफ्रेश रेट को 4 गुना बढ़ाकर मोशन ब्लर को मिनिमाइज कर देती है। ये सब फीचर्स आपको सोनी X8000H में नहीं मिलते हैं, इसलिए अगर आप सोनी X8000H को खरीदने वाले हैं, तो थोड़ा रुक कर सोनी X80J को देख लीजिए। वो सर्टेनली सोनी X8000H से बेटर होगा। गेमिंग के लिए भी ये टीवी काफी अच्छा ऑप्शन लगता है। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं 75 इंचेस टीवी की। तो ब्रांडेड कैटेगरी में सोनी X8000H इस समय का बेस्ट टीवी है। मेरी आपको ये सलाह है कि आप इस टीवी को मार्केट से खरीदें, क्योंकि वहां ये ऑनलाइन से बहुत ज्यादा सस्ता है। ये आपको 1,70,000 के आसपास में मिल जाएगा। अगर आपका बजट कम है, तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, थॉमसन और iFalcon। iFalcon मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस 350 निट्स पे एक 75 इंच स्क्रीन के लिए बहुत ही कम है, और TCL की सर्विसेज भी बहुत ही खराब है। इस टीवी में कंपनी ने 120Hz रिफ्रेश रेट होने की बात कही है, जो गलत है। मोशन ब्लर को लेकर इस टीवी का परफॉर्मेंस भी और बजट कैटेगरी के टीवी जैसा ही है। फास्ट एक्शन सीन्स में मोशन ब्लर साफ दिखता है। तो अगर आपका बजट कम है, तो आप कोडैक या फिर थॉमसन का टीवी ले सकते हैं। ये आपको 1 लाख के आसपास में मिल जाएंगे। इन दोनों टीवीज की पिक्चर क्वालिटी और ब्राइटनेस दोनों ही काफी अच्छी है। अगर आपको 65 इंचेस टीवी चाहिए, तो अगर आपके पास बजट है, तो आपके पास दो बेस्ट ऑप्शंस हैं, एक सोनी X8000H और दूसरा सैमसंग द फ्रेम। इस समय 1,20,000 के आसपास में ये बेस्ट टीवीज हैं। अब आपकी दुविधा होगी कि इनमें से कौन बेटर है, तो ये आपके यूसेज रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया है और आप ज्यादातर OTT प्लेटफॉर्म पे ही कॉन्टेंट देखते हैं, तो आप सैमसंग द फ्रेम ले सकते हैं। उस पे हाई रेजोल्यूशन वीडियोस बहुत बढ़िया दिखती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि 4K वीडियोस आपको सैमसंग द फ्रेम पे सोनी X8000H से बेटर दिखेंगी। लेकिन लो रेजोल्यूशन वीडियोस जैसे 720p की वीडियोस, वो आपको सोनी पे ज्यादा अच्छी दिखेंगी। सैमसंग द फ्रेम की पिक्चर अपस्केलिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी नहीं है।
मोस्टली सारे ही क्यूलेट टीवीज में आपको पिक्चर अपस्केलिंग अच्छी नहीं मिलेगी। सेट टॉप बॉक्स के थ्रू परफॉर्मेंस भी आपको सोनी एक्स 8000H पे ज्यादा अच्छा दिखेगा। सोनी एक्स 8000H में आपको वाइड व्यूइंग एंगल मिलता है जो सैमसंग में नहीं है। सैमसंग द फ्रेम में डायरेक्टली सामने से देखने में तो पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी दिखेगी, लेकिन साइड से देखने पे कलर्स वॉश्ड आउट लगेंगे। लेकिन अगर आप गेमर है तो आप सैमसंग द फ्रेम के साथ जाइए, क्योंकि उसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है जो मोशन ब्लर को विजिबल नहीं होने देगा। सोनी एक्स 8000H में ऐसे तो मोशन ब्लर कोई खास नहीं दिखता है, क्योंकि उसमें मोशन फ्लो XR दिया गया है, लेकिन बहुत फास्ट एक्शन सीन्स में ब्लर दिख जाता है। बजट कैटेगरी के टीवीज में 65 इंचेस व्यू सिनेमा एक्शन टीवी बेस्ट है। इस टीवी में आपको सुपर पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ बहुत अच्छी ऑडियो भी सुनने को मिल जाती है। इस टीवी की पिक्चर अपस्केलिंग भी बहुत अच्छी है, जिसे आप सोनी एक्स 8000H से भी बेटर कह सकते हैं। 720p की वीडियोस को ये टीवी अच्छे से अपस्केल करके हायर रेजोल्यूशन में प्ले करता है। आप हाइसेंस टोर्नेडो भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी व्यू सिनेमा एक्शन टीवी से मार्जिनली इंफीरियर है। व्यू की ब्राइटनेस हाइसेंस से ज्यादा अच्छी है और पिक्चर अपस्केलिंग भी बेटर है। ऑडियो क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। ये दोनों ही टीवी सैमसंग वंडरटेनमेंट सीरीज और LG UM7290 से बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आपका बजट और भी कम है तो आप नोकिया या फिर व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड ले सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया टीवीज हैं। व्यू की आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हैं। जहां जहां टीवी की डिलीवरी अवेलेबल है वहां आपको डोर स्टेप सर्विसेज भी मिल जाती हैं। नोकिया फ्लिपकार्ट का टीवी है जिसकी सर्विसेज जीव्स के पास है। 55 इंचेस टीवीज की बात की जाए तो यहाँ भी सोनी एक्स 8000H और सैमसंग द फ्रेम इस समय के बेस्ट टीवीज हैं, जो आपको 1,00,000 के अंदर मिल जाते हैं। वैसे सैमसंग TU8000 और सैमसंग TU8570 भी मार्केट में है, लेकिन ये इन दोनों टीवी से पिक्चर क्वालिटी और ब्राइटनेस में थोड़े इंफीरियर हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप TU8000 ना लेकर TU8570 कंसिडर करें। उसकी पिक्चर क्वालिटी TU8000 से काफी बेटर है। सोनी एक्स 8000H और सैमसंग द फ्रेम में से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, ये उन्हीं तर्कों पे आधारित है जो आपको मैंने 65 इंचेस टीवीज के बारे में बताते हुए कहा है। और अगर आपका बजट और भी कम है तो आप सोनी एक्स 7500H भी ले सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि इसकी पिक्चर क्वालिटी सोनी एक्स 8000H से काफी इंफीरियर है। डिटेल्स, शार्पनेस, ब्राइटनेस और ऑडियो सब में सोनी एक्स 8000H बेटर है। इसलिए अगर आप अपने बजट को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप सोनी एक्स 8000H के साथ ही जाएं। एक्स 7400H की पिक्चर क्वालिटी इन सब मेंशन टीवी से इंफीरियर है, इसलिए आप इसे तभी लें जब आपका बजट लिमिटेड है और आप 2020 मॉडल टीवी ही खरीदना चाहते हैं। सोनी एक्स 7000 2G बहुत ही बढ़िया टीवी है, जो थोड़ा पुराना होने की वजह से आपको सबसे कम प्राइस में मिल रहा है। इसकी पिक्चर क्वालिटी सोनी एक्स 8000H के बाद आती है। सोनी एक्स 7500H और सोनी एक्स 7400H दोनों ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी में इससे इंफीरियर हैं। बस इस टीवी को साइड से देखने पे कलर्स थोड़े वॉश्ड आउट होते दिखते हैं। बजट कैटेगरी के 55 इंचेस टीवीज में इस समय बेस्ट है तोशीबा, नोकिया, व्यू और हाइसेंस। व्यू सिनेमा एक्शन टीवी और हाइसेंस टोर्नेडो दोनों की ही पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो बहुत ही अच्छी है। हालांकि इस मॉडल के 65 इंचेस वेरिएंट का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, लेकिन 55 इंचेस भी काफी अच्छा है। इसके बाद 55 इंचेस की कैटेगरी में तोशीबा का परफॉर्मेंस बेस्ट है। कलर रिप्रोडक्शन के साथ साथ उसका डॉल्बी विजन का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है। इस मामले में वो व्यू सिनेमा एक्शन टीवी और हाइसेंस टोर्नेडो को भी पीछे छोड़ देता है। नोकिया की ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का उसमें ना होना उसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। एक सुपर्ब टीवी को इन फीचर्स से वंचित करना काफी डिसअपॉइंटिंग है। अगर इसमें ये दो फीचर्स होते तो नोकिया इस समय का बेस्ट टीवी होता। अच्छी ब्राइटनेस, बढ़िया पिक्चर क्वालिटी, इफेक्टिव पिक्चर अपस्केलिंग और अच्छी ऑडियो के चलते व्यू भी काफी अच्छा पैकेज बन जाता है। बस इसका डॉल्बी विजन का परफॉर्मेंस मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। हाइसेंस में भी डॉल्बी विजन का कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। मेरी ओपिनियन में आप तोशीबा या फिर व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड में से कोई भी टीवी ले सकते हैं। तोशीबा का विडा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको पसंद नहीं है तो आप व्यू के एंड्रॉइड OS के साथ जाएं।
Redmi XL आप तभी लें जब आप एक गेमर हैं। Redmi की पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और ऑडियो भी कोई खास नहीं है। बस इसका HDMI 2.1 PS5 गेमिंग के लिए एक अट्रैक्शन जरूर लगता है। हालांकि 60Hz का रिफ्रेश रेट इसे PS5 के लिए आइडियल ऑप्शन नहीं बनाता है। Mi QLED TV आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके कलर्स हाई रेजोल्यूशन वीडियोस में वाइब्रेंट तो दिखते हैं, लेकिन मुझे इस टीवी के कलर्स कई बार अननेचुरल भी लगे और कोई ऐसे अट्रैक्टिव नहीं लगे जिससे मैं ये टीवी लेने की सोचूं। 50 और 49 इंचेस साइजेस में सोनी X8000H, सैमसंग द फ्रेम, सोनी X7500H और LG UM7290 आते हैं। इनमें से बेस्ट है सैमसंग द फ्रेम और सोनी X8000H। अगर आपको ज्यादातर सेट टॉप बॉक्स के थ्रू प्रोग्राम्स देखने हैं तो आप सोनी X8000H के साथ जाएं, नहीं तो इंटरनेट के थ्रू कंटेंट्स देखने के लिए सैमसंग द फ्रेम बेस्ट ऑप्शन है। बड़े हॉल के लिए सोनी बेटर होगा। अगर आप इन दोनों टीवीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप सोनी X7500H भी ले सकते हैं। और अगर आपका बजट और भी कम है और आपको ब्रांडेड कैटेगरी का टीवी ही चाहिए तो आप LG UM7290 ले लें। उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस सैमसंग वंडरटेनमेंट टीवी से थोड़ा बेटर है। बजट कैटेगरी में बेस्ट टीवीज तोशीबा और व्यू है। नोकिया भी बहुत ही बढ़िया टीवी है, लेकिन डॉल्बी विजन की वीडियोस देखते समय इस फीचर की कमी नोकिया में खलती है। तोशीबा का डॉल्बी विजन सबसे इफेक्टिव परफॉर्मेंस देता है और डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू भी इसे एक अट्रैक्टिव पैकेज बनाता है। व्यू के 50 इंच मॉडल की पिक्चर क्वालिटी, ब्राइटनेस और ऑडियो तीनों ही बहुत ही बढ़िया है। तोशीबा में वीडा OS का होना भी व्यू टीवी को लेने की वजह देता है, क्योंकि व्यू के एंड्रॉइड OS में आप लगभग सारे ही एप्स चला पाएंगे और उन्हें बाहर से भी साइड लोड कर पाएंगे। बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला थॉमसन टीवी भी बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है। थॉमसन में आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ अच्छी ऑडियो और वाइड व्यूइंग एंगल भी मिल जाता है। ये टीवी बड़ी फैमिली के लिए एप्रोप्रिएट है। बस थॉमसन और कोडैक की आफ्टर सेल सर्विसेज ज्यादा अच्छी नहीं है। मोटोरोला ZX Pro भी काफी अच्छा टीवी है, लेकिन उसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। मोटोरोला फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी सर्विसेज आपको जीव से मिलेगी। Mi TV आप तभी लें अगर आप Xiaomi फैन हैं, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस इन सभी मेंशन टीवी से इंफीरियर है। तोशीबा, नोकिया, व्यू और हाइसेंस टीवीज का परफॉर्मेंस सोनी X7500H, LG UM7290 और सैमसंग वंडरटेनमेंट टीवी से बेटर है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज में हायर ब्रांड्स अपने वाइड नेटवर्क के चलते बाजी मार ले जाते हैं। अब आते हैं 43 इंचेस की कैटेगरी में, तो इस साइज में भी X8000H बेस्ट है। उसके बाद आप चाहें तो X7500H या फिर सैमसंग TU8570, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सैमसंग में आपको वाइड व्यूइंग एंगल नहीं मिलेगा, जबकि सोनी X7500H के व्यूइंग एंगल्स ज्यादा अच्छे हैं। सैमसंग TU8570 भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो तब ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा अगर आप इसे अपने बेडरूम में लगाकर डायरेक्टली सामने से देखेंगे। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी सोनी X7500H से बेटर है। अगर ब्रांडेड कैटेगरी में खरीदने के लिए आपका बजट कम है तो आप सोनी X7002G, UM7300 या फिर LG UM7780 को कंसिडर कर सकते हैं। इन टीवीज में से LG UM7780 बेस्ट है। LG UM7780 में आपको बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ बेहतरीन ऑडियो भी मिल जाती है। LG UM7300 और LG UM7290 में आपको उतनी अच्छी ऑडियो नहीं मिलती है। LG UM7290 की पिक्चर क्वालिटी LG के इन तीन मॉडल्स में सबसे इंफीरियर है, लेकिन फिर भी वो कम पैसों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। सोनी X7002G की पिक्चर क्वालिटी सबसे अच्छी है, लेकिन व्यूइंग एंगल उतना अच्छा नहीं है। तो बड़ी फैमिली के लिए आप LG को ही प्रेफरेंस दें। आप सोनी X7400H भी ले सकते हैं, वो अच्छा टीवी है, लेकिन मैंने जिन टीवीज का भी जिक्र किया है उनसे ये पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा इंफीरियर है। बजट कैटेगरी के टीवीज की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे अच्छे टीवीज हैं, लेकिन बेस्ट तोशीबा, नोकिया, हाइसेंस और व्यू हैं। इनमें से डॉल्बी विजन की वीडियोस का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको तोशीबा टीवी में देखने को मिलेगा। तोशीबा पिक्चर क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छा टीवी है, बस वो अपने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के चलते मात खा जाता है।
जो उसे एप्लीकेशंस के मामले में एक लिमिटेशंस के दायरे में ले आता है। उसे कंप्लीट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च करके एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर अमेज़न 4K के फायर टीवी स्टिक लेनी होगी। अगर आप ये ले सकते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया पैकेज बन जाता है। नोकिया की पिक्चर क्वालिटी तोशिबा से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस इस कैटेगरी के टीवीज में सबसे ज्यादा है और ऑडियो भी काफी अच्छी है। आप व्यू और हाइसेंस में से भी किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छी पिक्चर और ऑडियो के साथ काफी अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग के साथ आते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि इन दोनों में कौन बेटर है, तो मैं व्यू का नाम लूंगी, क्योंकि व्यू में बेटर पिक्चर अपस्केलिंग के साथ साथ ज्यादा अच्छी सर्विसेज भी मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको व्यू कॉस्टली मिले तो मत लीजिएगा। इनमें से जो चीप है और वाजिब दामों में मिल जाए, आप उसे ही प्रिफर करें। सभी का परफॉर्मेंस आसपास का ही है, और अगर आपको बहुत अच्छा व्यूइंग एंगल चाहिए तो आप मोटोरोला ZX Pro भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत डीप ब्लैक्स और विविड कलर रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी शिनको 43 इंचेस 4K टीवी का, जो बहुत ही कम दामों में भी आपको सुपर पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी दे देता है। साथ ही साथ आपको इसके खरीदने पे रिलायबल आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिल जाएंगी। इसके बारे में लोग कम जानते हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी तो है, लेकिन ये शाओमी और दूसरे चाइनीज ब्रांड्स के जैसे प्रचार में खर्च नहीं करती है। 32 इंच के कैटेगरी में मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत कॉस्टली टीवीज खरीदना चाहिए। बजट कैटेगरी के टीवीज आपको सोनी और सैमसंग के लोअर रेंज टीवी से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस और फीचर्स दे देते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रांडेड कैटेगरी का टीवी ही चाहिए, तो आप सैमसंग का 2020 एडिशन टीवी ले सकते हैं। इस कैटेगरी में मोटोरोला ZX2 बहुत ही बढ़िया टीवी है, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट सैमसंग के इक्वल है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी और फीचर्स में वो सैमसंग से बेटर है। नोकिया का टीवी भी इस कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट कहा जाएगा, जो अच्छी पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो के साथ आता है। अगर आपका बजट बहुत ही कम है, तो आप निश्चिंत होकर शिनको का ये टीवी ले लीजिए। ये किसी भी हायर रेंज टीवी से पिक्चर क्वालिटी और साउंड में कम नहीं है। मैंने अभी हाल में ही इस टीवी का रिव्यू किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाकर इसे देख सकते हैं। 43 इंचेस और 40 इंचेस फुल HD कैटेगरी में नोकिया, मोटोरोला और वन प्लस टीवीज काफी अच्छे हैं। वन प्लस की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कनेक्टिविटी इश्यूज आते रहते हैं। तो दोस्तों, एंड में आपको मैं बता दूं कि किसी भी कैटेगरी में अगर आपका बजट कम है, तो आप थॉमसन, कोडैक और शिनको के टीवीज को आंख बंद करके ले सकते हैं। इन तीनों ब्रांड्स के टीवीज में आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा। बस थॉमसन और कोडैक की आफ्टर सेल सर्विसेज ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।